इस वक्त की बड़ी खबर जो आरजेडी सुप्रीमो के हेल्थ को लेकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी सुप्रीमो के हेल्थ के बारे में अपडेट दिया है। तेजस्वी यादव ने जानकारी दी है कि लालू प्रसाद यादव के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे बताया कि लालू यादव के शरीर में 3 जगहों पर फ्रैक्चर है। बुधवार की देर रात उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक लालू जब पटना में गिरे थे तो उनके शरीर में 3 जगहों पर फ्रैक्चर आ गया था। इसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई। इस पर राबड़ी देवी ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो चिंता ना करें, आरजेडी अध्यक्ष के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि एम्स के डॉक्टर उनकी मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं, ऐसे में दिल्ली में उनका बेहतर इलाज होगा। ऐसे में एम्स में लालू यादव का पूरा चेकअप होगा, उसके बाद डॉक्टरों की टीम तय करेगी कि आगे कैसे इलाज करना है। तेजस्वी ने बताया कि लालू की तबीयत बेहतर होने पर उन्हें सिंगापुर ले जाने के लिए डॉक्टरों से सलाह ली जाएगी। लालू की किडनी ट्रांसप्लांट की भी बात चल रही है। उनका क्रिएटिनिन 4 से 6 तक पहुंच गया था, चेस्ट में भी कुछ दिक्कत हो रही थी। तो वहीं दूसरी ओर लालू के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। पटना के मंदिर और मस्जिदों में लालू के लिए दुआएं की जा रही हैं। देखिए, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। अभी हमारे साहब आदरणीय लालू यादव जी के साथ थोड़ा सा बुरा हादसा हुआ है, वो घर में गिर गए और वो इलाजरत है। मुझे माता रानी और काशी विश्वनाथ दोनों को बहुत पूर्ण विश्वास है कि वो जल्द ही शीघ्र ही स्वस्थ होकर लौटेंगे, क्योंकि लालू लाल है माटी का, वो किसी से झुकने वाला नहीं, वो मौत से लड़कर आने वाला भी इंसान है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में भी दिखा चुके हैं एम्स में इतने किडनी फेल होने और लीवर पर संक्रमित होने के बावजूद भी वो हम लोग के बीच आए, क्योंकि उनके साथ बिहार की 11 करोड़ की जनता और देश की 125 करोड़ जनता उनके साथ है, उनकी दुआएं उनके साथ है। लालू जन जन के नेता हैं, वो हमारे भी जरूर आएंगे, जल्दी आएंगे। आप अपना नाम? चंदन नारायण यादव, पटना जिला उपाध्यक्ष।